रानी लक्ष्मीबाई व्यायामशाला में चल रहे सिटी प्रीमियर लीग में खेले गए रोमांचक मैच में आज वार्ड नंबर 38 की टीम ने जीत के साथ सीरीज में अपना स्थान मजबूत किया। आज के मैच में राहुल झा सर्वाधिक नाबाद 50 रन के साथ मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं सोनू नामदेव ने हेलीकॉप्टर शॉट के साथ छक्का जड़ते हुए वार्ड नंबर 38 की टीम को जीत दिलाई। दर्शकों ने भी राहुल झा की चौके छक्कों की बरसात की जमकर तारीफ की और जय बुंदेलखंड के उद्घोष से उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि हमें जाति मजहब से ऊपर उठकर देश को एकता के सूत्र में बांधना होगा। इसके लिए खेल ही वही साधन है जहां खिलाड़ियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता। और हर यहां का खिलाड़ी दबाव खिलाड़ी है, वो इस छोटे छोटे आयोजन के माध्यम से आगे निकले। हमारे शंभू सेन जी ने कहा, जो आयोजन समिति में थे, कि इसमें एंट्री फीस नहीं लेंगे, जिससे हर वर्ग का युवा इसमें भाग ले सके। हम आयोजन समिति के हृदय से आभार हैं कि उन्होंने हमारे युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया, जिसके चलते हुए हमारे खिलाड़ी आगे जाकर रणजी ट्रॉफी के लिए भारत के लिए खेलेंगे और देश के लिए खेलेंगे, प्रदेश के लिए। मुख्य अतिथि राहुल रिछारिया ने सभी खिलाड़ियों का अभिवादन कर खेल के प्रति रुचि बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेल हमें एकता और स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। हम युवा ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य LVM इंटर कॉलेज राजीव कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार जगदीश तिवारी, संपादक जनध्वनि समाचार पत्र, अशोक रावत पत्रकार इंडिया टुडे, संतोष झा सह संपादक बुंदेलखंड टुडे, देवी सिंह कुशवाहा, राकेश अमरिया, दिलीप शाक्या, शिवम साहू, मुन्नी देवी, अखलाक मकरानी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र भदौरिया ने किया। संतोष झा की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज, झांसी।